कहानी की शुरुआत होती है 2040 से, जहां दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है कि मार्स पे इंसानों का जाना मुमकिन हो गया है। फिल्म में 8 साइंटिस्ट की टीम को मार्स मिशन पे भेजा जाता है, वहां के वातावरण और जलवायु पे रिसर्च करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वहां जीवन मुमकिन है या नहीं। मार्स पे इनको 6 महीने हो गए थे और इनका मार्स पे आखिरी दिन है। सभी टीम मेंबर धरती पर वापस लौटने की तैयारी में लगे होते हैं। यहां पर 2 टीम मेंबर अपने बायोलॉजिस्ट को एक मार्स रोवर से लाने जाते हैं। सफर के दौरान इन्हें मार्स के रेतीले तूफानों का सामना करना पड़ता है, जिसे ये दोनों बिना डरे पार कर लेते हैं। अब साइंटिस्ट विंसेंट और उसकी साथी अपने बायोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, जहां वो मार्स की मिट्टी पे रिसर्च कर रही थी। लेकिन वो काफी गुस्से में थी, क्योंकि मार्स पे इन्हें 6 महीने हो गए हैं लेकिन कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है, और साथ ही इनका मिशन से लौटने का समय भी हो चुका है। कुछ देर बाद इन्हें धरती के मेन बेस स्टेशन से मैसेज आता है कि हम आप लोगों को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेसशिप लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए आप सभी धरती पर वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दें। फिल्म आगे बढ़ती है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्को है, जो अपने कैप्टन से कहता है, मुझे बाहर जाना है एक डिवाइस को ठीक करने जो सेक्टर 9 में लगाया है। कैप्टन कहता है, मिशन को बंद कर दिया गया है और अब हम वापस लौट रहे हैं। 6 महीने में कुछ नहीं मिला तो ये एक डिवाइस को ठीक करने से क्या मिलेगा। जिस पे मार्क कहता है, वो फ्यूचर में हमें खास जानकारी दे सकता है। मार्को की बातें मानकर कैप्टन मार्को से कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना और अपने साथ विक्टर को भी ले जाओ। ये दोनों अभी निकलने ही वाले थे, तभी वहां पर बायोलॉजिस्ट विंसेंट और उसकी साथी भी आ जाते हैं। मार्क उनसे कहता है कि मैं अभी जल्दी में हूं, मुझे डिवाइस ठीक करने जाना है। विंसेंट सोचती है कि मार्स मिशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन मार्को इतनी जल्दी में क्यों है उसे एक डिवाइस को ठीक करने के लिए। विंसेंट को शक होता है, इसलिए मार्को के जाने के बाद विंसेंट उसका कंप्यूटर चेक करती है तो देखती है मार्को को मार्स पर लाइफ फॉर्म के कुछ अंश मिले, जिसे वह सबसे छुपा रहा था। यह देखकर सारे हैरान हो जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि मार्को सारे रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। इसके बाद कैप्टन मार्को को कॉल करता है। इधर मार्को अपने डिवाइस को ठीक कर रहा होता है, इसलिए कॉल का जवाब विक्टर देता है। विक्टर उन्हें मार्को के बारे में बता ही रहा होता है, तभी मार्को के नीचे की जमीन अचानक धस जाती है और वह काफी गहरी सुरंग में गिर जाता है। विक्टर इस घटना के बारे में कैप्टन को बताता है, जिसके बाद कैप्टन और बायोलॉजिस्ट सेक्टर 9 के पास पहुंच जाते हैं और विक्टर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। विक्टर कहता है, यह काफी गहरी सुरंग है, मुझे नहीं लगता मार्को बच पाया होगा। बायोलॉजिस्ट कैप्टन से कहती है कि हमें वहां नीचे जाना चाहिए, मार्को को बचाने के लिए, शायद मार्को अभी जिंदा हो और उसे हमारी जरूरत हो। जिस पर कैप्टन कहते हैं, विक्टर सही कह रहा है, यह काफी गहरा है और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना वक्त है कि हम इसे अभी बचा पाए। हमें पहले अपने बेस पर लौटना होगा और मेन बेस पे यहां की घटना के बारे में बताना होगा। बायोलॉजिस्ट कहती है, जब तक हम वापस लौटेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए, मैं यहीं पर रुकती हूं और किसी तरह नीचे सुरंग में जाने की कोशिश करती हूं। कैप्टन बायोलॉजिस्ट की बात मान लेता है और वापस बेस पे लौट जाता है, जहां कैप्टन धरती पर कॉन्टैक्ट करता है और मार्स पर हुए सारी घटना को बताता है। कैप्टन को कहा जाता है, अगर मार्को जिंदा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी मौत हो गई है तो उसकी डेड बॉडी धरती पर वापस ले आए, हम उसके खोज के बारे में दुनिया के सामने लाएंगे। जिसके बाद विक्टर और विंसेंट बेस पर ही रुक जाते हैं और कैप्टन बाकी के क्रू मेंबर्स को लेकर सेक्टर 9 पे मार्को को सुरंग से निकालने चला जाता है। इधर बायोलॉजिस्ट मार्को को ढूंढने सुरंग में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरंग से गर्म धुएं के कारण वो जा नहीं पाती और वापस रोवर में आकर बैठ जाती है। तभी उसे रोवर के बाहर से आवाज आती है, वो बाहर निकल के देखती है और अचानक चीखती है, जिसके बाद अंधेरा हो जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है और कैप्टन क्रू मेंबर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। सब मिलकर बायोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहां नहीं थी। उनको लगता है कि वो किसी तरह सुरंग में मार्को को ढूंढने गई होगी। कैप्टन एक क्रू मेंबर को सुरंग में भेजता है, लेकिन उसे वहां पत्थरों पर बढ़ रहे बैक्टीरिया दिखाई देता है। वो उसे सुरंग से बाहर निकाल लेते हैं। तभी कैप्टन को 2 लोगों के पैरों के निशान दिखाई देता है, जो बेस की ओर जा रहे थे। कैप्टन सोच में पड़ जाता है। इधर बेस स्टेशन पे अलर्ट आता है कि बेस की ओर कोई आ रहा है। विंसेंट और विक्टर को लगता है कि क्रू मेंबर्स हैं। जेम्स गेट से देखता है, गेट के बाहर मार्को था। जेम्स गेट खोलता है, मार्को अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और जेम्स पे हमला कर देता है। मरते मरते जेम्स इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। विंसेंट आती हैं तो देखती हैं जेम्स खून में सना हुआ है, और वहीं पर बायोलॉजिस्ट और मार्को विंसेंट पर भी हमला कर देती हैं, लेकिन वो खुद को बचाकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती हैं। तभी वहां पर कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर्स वहां आ जाते हैं। अंदर से डरावनी आवाज सुनकर कैप्टन सबको बाहर रोककर खुद अंदर चेक करने जाता है। वहां उसे विंसेंट मिलती है। कैप्टन विंसेंट से पूछता है, क्या हुआ है यहां पर। विंसेंट कैप्टन को सारी बात बताती है। विंसेंट कहती है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। विंसेंट सुरक्षित निकल जाती है, लेकिन कैप्टन पर मार्को हमला कर देता है। क्रू मेंबर्स मिलकर कैप्टन को दूसरे बेस स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां उनका इलाज हो सके, लेकिन कैप्टन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और एक क्रू मेंबर पर हमला कर देते हैं,
जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। डॉक्टर देखती हैं कि इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स मार्को और बायोलॉजिस्ट बेस स्टेशन का लॉक तोड़कर इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। विक्टर कहता है, मैं अंडरग्राउंड टनल से होते हुए मेन बेस स्टेशन जाकर सिस्टम को ठीक करके स्पेस स्टेशन पर इंफॉर्मेशन भेजता हूं ताकि यहां मदद पहुंचा सकें। विक्टर वहां के लिए निकल जाता है और यहां डॉक्टर और पायलट वायरस का एंटीडोट बनाने में लग जाते हैं। डॉक्टर कैप्टन का ब्लड सैंपल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसी सुरंग से शुरू हुआ है और कैसे ये वायरस हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है और हमारा शरीर ऐसे वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर इस वायरस को क्लोन करके इसका एंटीडोट बनाती है और कैप्टन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वायरस का असर थोड़ा कम होने लगता है। उधर विक्टर कंट्रोल रूम में पहुंचकर सिस्टम ठीक कर रहा था तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसे चेक करने के लिए विक्टर बाहर आता है, जिसपे मार्को हमला करने लगता है। इधर विंसेंट विक्टर की जान खतरे में देखकर शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स डॉक्टर की ओर आ जाते हैं। विंसेंट उन पर एंटीडोट स्प्रे कर देती हैं, जिससे वो कुछ देर के लिए गिर जाते हैं। मौका मिलते ही विक्टर टनल से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बीच पायलट सबको बचाने के लिए डॉक्टर को मार्को के साथ ही बंद कर देता है। विक्टर, विंसेंट और पायलट तीनों एक रोवर में आ जाते हैं, लेकिन विंसेंट घायल हो जाती है। रोवर में आते ही विक्टर विंसेंट को इंजेक्शन लगाता है। तब पायलट कहता है, इसमें बैटरी बहुत कम बची है, हम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। विक्टर कहता है, हम इसकी मदद से दूसरे रोवर के पास जाएंगे। तभी ये नोटिस करते हैं कि इन्फेक्टेड क्रू मेंबर्स इनका पीछा कर रहे हैं। अब तीनों दूसरे रोवर के पास पहुंचते हैं। पायलट कहता है, मैं पहले जाके चेक करता हूं, और पायलट धोखा देकर चार्ज रोवर लेकर निकल जाता है, जिससे अब इन दोनों के पास बस यही रोवर बचा था आगे बढ़ने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद रोवर बंद हो जाता और ये वही सो जाते हैं। अगली सुबह विक्टर देखता है विंसेंट रोवर से निकल के बहुत दूर चली गई है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है और उसे इस बात का डर है कि वो भी विक्टर पे हमला ना कर दे। विक्टर उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले विंसेंट अपनी हेलमेट उतार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इन्फेक्टेड होने की वजह से विंसेंट फिर से जिंदा हो जाती है और विक्टर पर हमला करने लगती है, जिससे ना चाहते हुए भी विक्टर को विंसेंट को मारना पड़ जाता है। इधर मैसेज मिलने पर स्पेस स्टेशन से स्पेसशिप आती है सबको वापस ले जाने के लिए। स्पेसशिप विक्टर से बहुत दूर लैंड होती है। दूरी ज्यादा होने से विक्टर स्पेसशिप में बैठे क्रू को यहां के हालात बता नहीं पाता, और जब विक्टर स्पेसशिप में आता है तो वहां सबकी डेड बॉडी ही मिलती है, जहां एक बॉडी मार्को की थी जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। विक्टर स्पेसशिप के अंदर जाता है तो देखता है वहीं पायलट जो रोवर लेकर भागा था पहले से वहां मौजूद है, और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। विक्टर पायलट से कहता है कि ये वायरस खतरनाक है और हम इसे धरती पर नहीं ले जा सकते। डॉक्टर कहता है, हम धरती पर पहुंचकर इसका एंटीडोट बना लेंगे, मैं धरती पर जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है और विक्टर बेहोश हो जाता है। पायलट को मौका मिल जाता है और वो स्पेसशिप उड़ा देता है। कुछ देर बाद विक्टर को होश आता है और विक्टर पायलट को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। अब विक्टर स्पेस स्टेशन को मैसेज भेजता है, जिसमें वो कहता है, मार्स मिशन फेल हो गया। कैप्टन के साथ साथ क्रू के सारे मेंबर्स एक अनजान वायरस के संपर्क में आने की वजह से मारे गए, और मैं भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हूं। हमने इसका एंटीडोट बनाया था लेकिन वो इतना असरदार नहीं रहा। मैं इस वायरस को धरती पर नहीं ला सकता, इसलिए मुझे बचाने कोई ना आए। शायद मैं कुछ दिनों तक इस स्पेसशिप में जिंदा रहूं और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में।